हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई एग्जाम भी मैं हूं अरुणिमा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेवंथ बाई पार्ट टाइट वेज सेटलमेंट के बारे में सो एवरी फाइव इयर्स हर पांच सालों में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बी एंड बैंक इम्प्लॉय ट्रेड यूनियंस नेगोशिएट करते हैं वेजेस को वेजेस के लिए सो so, ये 2017 से ड्यू था अभी हम 2020 में हैं, काफी दिनों से इसका वेट हो रहा था सो so, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले मीटिंग में क्या क्या प्रपोज किया गया था और फाइनली किस किस बात पे सहमति हुई व्हाट वाज एग्रीड अपॉन सो इस मीटिंग uh, uh, के मिनट्स साइंड मिनट्स हमारे पास हैं जो हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद उसमें जो टेक्निकल बातें हैं उनसे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी सो so, हम क्लियरली देखेंगे कि अगर कोई आज बैंक प्रोविजनरी ऑफिसर एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर ज्वाइन करता है तो अभी इस रिवीजन के पहले जो agreed upon हुआ है कि ऐसा होगा इस हाइक के पहले उनके सैलरी स्लिप पे उनको कितना कितनी सैलरी मिल रही थी और अब इसके बाद कितनी मिलेगी उसी तरह से जो ऑलरेडी बैंक में है तो उनको अभी कितना मिल रहा है और इस रिवीजन के बाद फिर उनकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो जाएगी सो लेटर सी सो so, ये जो डिमांड्स थी जो प्रपोजल था इसको आप ये नहीं समझें कि इन पे सब पे सहमति बनी है सबसे पहले फाइव डेज अ वीक जो वर्किंग डेज होंगे फाइव डेज अ वीक होने चाहिए ये डिमांड थी फिफ्टीन परसेंट वेज इंक्रीज देन डी ए मर्जर फोर्टी सेवन पॉइंट एट जीरो टू परसेंट लोड फैक्टर ऑन बेसिक पे फिफ्थ टोटल इंक्रीज इन पे एट द रेट फोर्टी नाइन पॉइंट एट जीरो परसेंट बैलेंस थर्टीन परसेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस अलाउंसेस एंड जो सेवेंथ था डी ए रेट इन फ्यूचर विल बी एट द रेट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो सेवन परसेंट पर स्लैब ओके सो ये डिमांड थी अब इसमें से क्या क्या बेसहमति बनी वो देखते हैं मिनिट्स में सो so ये आज की मीटिंग के जो कि जुलाई को मीटिंग uh, हुई थी, सेटलमेंट इशू एंड एंटर इन टू एन एमओयू एज अंडर फर्स्ट पॉइंट जो है वेज रिविजन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट नोवम्बर टू थाउजेंड सेवेंटीन सो जो ऑलरेडी बैंक में है उनको इफेक्टिव डेट जो होगा इस रिवीजन का जो ये इंक्रीज होगी सैलरी की वो फर्स्ट नवंबर 2017 से इफेक्टिव होगा मतलब ये जो बीच का गैप है आज की डेट में और फर्स्ट का इतने मंथ्स में जो वो सैलरी का डिफरेंस है वो उनको एरियर के तौर पे मिलेगा दूसरा पॉइंट एनुअल वेज इंक्रीज इन सैलरी एंड अलाउेंसेज इज अग्रीड एट 15% ऑफ द वेज बिल सो वो जो 15% ऑफ द वेज बिल का इंक्रीज वाला था उसपे सहमति बन गई है इसके बाद ये जो सारी details है इसको हम मैं प्रोजेक्शंस में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपकी सैलरी पे इसका इफेक्ट आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल वेज इंक्रीज बिटवीन वर्कमेन एंड ऑफिसर्स विल बी वर्क सेपरेटली सो ये सेपरेटली इनके लिए होगा देन ये जो टेबल है ये ये बता रहा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव हर जगह आजकल बात होती है कि परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो इम्प्लॉइज को भी इंसेंटिव देना चाहिए सो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर ये प्रॉफिट लेस देन फाइव परसेंट है किसी भी बैंक का तो वहां पे कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा दूसरा जो है फाइव टू टेन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो फाइव डेज की उनकी जो बेसिक सैलरी है प्लस डी जिस इंप्लॉय की जितनी बेसिक सैलरी है प्लस डीए पांच दिनों की ये दिया जाएगा अगर मोर देन टेन परसेंट और 15% है मतलब बिटवीन है ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो टेन डेज की सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए पे किया जाएगा सब्जेक्ट टू यहाँ पे आप देख रहे हो कंडीशन भी है एंड मोर देन फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन डेज की जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है जहां पे टेन टेन डेज और फिफ्टीन डेज की सैलरी और डीए uh, की बात की जा रही है उसके लिए ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही कंडीशन नहीं होगा वहां पे नेट प्रॉफिट भी देखा जाएगा थर्ड एंड फोर्थ स्लैब्स आर ओनली इफ द बैंक हैज नेट प्रॉफिट इफ अ बैंक हैज ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ फाइव परसेंट एंड मोर बट देयर इज नो नेट प्रॉफिट देन मिनिमम सेकेंड स्लैब ऑफ फाइव डेज विल बी पेबल सो कहते हैं कि इस स्लैब में आ जाएगा अगर बैंक लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं है

अब हम देख लेते हैं प्रोजेक्शंस कि इसके बाद ये लागू होने के बाद सैलरी में कितना इजाफा होगा यहां पे आप देख सकते हैं अगर एक बैंक प्रोवेशनरी ऑफिसर एज प्रोवेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करता है तो उसका बेसिक होता है टू थ्री सेवन डबल जीरो और ओल्ड ग्रॉस मतलब अभी उसका जो ग्रॉस सैलरी बनती है सैलरी स्लिप पे वो बनती है थ्री नाइन एट सेवन सिक्स रुपीज अब आज का जो अग्रीमेंट uh, बना है इसके बाद जो हाइक होगा सैलरी में उसके बाद न्यू बेसिक न्यू बेसिक बन जाएगा फोर टू थ्री नाइन फाइव और जो न्यू मंथली बनेगा वो फोर एट 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 वन पॉइंट सिक्स दैट मीन की एक नया प्रोवेशनरी ऑफिसर उसे अभी थर्टी नाइन थाउजेंड मिल रहा था अब फोर्टी एट थाउजेंड मिलेगा इसी तरह से जिन्होंने पहले ज्वाइन किया हुआ है अगर किसी के बेसिक मान लो यहाँ पे टू फोर सिक्स एट जीरो है तो आप इस टेबल में देख सकते हैं अगर आप ऑलरेडी बैंक में इंप्लॉई हैं तो आप देख सकते हैं अभी आपकी बेसिक कितनी है तो अब कितनी सैलरी आपकी इंक्रीज होने वाली है न्यू बेसिक और न्यू मंथली में आप यहाँ जाके देख सकते हैं सो हर स्लैब के लिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है साथ ही साथ डी ए एच आर ए सारी डिटेल्स कितना एनपीएस में जाएगा ये सारी डिटेल यहाँ पे है अगर आप स्केल टू ऑफिसर हैं ये वाला जो है ये स्केल वन के लिए है अगर आप स्केल टू हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी बेसिक के हिसाब से से और साथ ही साथ आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नवंबर 2017 से अभी तक जब से ये शुरू होगी आपकी मंथली सैलरी स्लिप पे आना कितना आपको एरियर मिलेगा सो so, आप चाहें आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वहां पे जाके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं सो so, मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी आ गई होगी कि इस मीटिंग में क्या क्या चीजों पे सहमति बनी सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग